हेलो दोस्तों, एमआरएसी टेक्नीशियन में फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका दोस्त अफजल आलम। आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम एयर कंडीशनिंग सिस्टम में कोई भी रेफ्रिजरेंट हमारा सिस्टम में डाला हुआ है एसी में, तो उसका सक्शन प्रेशर और डिस्चार्ज प्रेशर कितना होना चाहिए उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। किस तरह से आप सक्शन और डिस्चार्ज प्रेशर को फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, प्रेशर टेम्परेचर चार्ट आपके पास होना चाहिए। वो नॉर्मली आपको कहीं आप गूगल में जाकर सर्च करेंगे, लिखेंगे कि प्रेशर टेम्परेचर चार्ट, तो हर रेफ्रिजरेंट का अवेलेबल है गूगल पे, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके अपना मोबाइल में रख सकते हैं। सबसे अच्छा ऑप्शन है मोबाइल में भी रखने के लिए, या आप पेपर प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं, तो उस तरह से आप निकाल लेंगे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि हमें कोई भी रेफ्रिजरेंट का प्रेशर मालूम करने के लिए उसका टेम्परेचर मालूम होना चाहिए। अब अगर हमको उसका प्रेशर मालूम है तो उसका हम टेम्परेचर भी निकाल सकते हैं। तो उसी तरह से क्या है, एयर कंडीशन सिस्टम में जो है एवेपरेटर जो है, एवेपरेटर के अंदर जो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर होता है वो 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। समझ गए, ये कोई भी यूनिट है, समझ गए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये स्प्रिट के लिए है या पैकेज के लिए है। पैकेज है, स्प्रिट है, डीएक्स है, चिलर है, विंडो है, वीआरएफ है, वीआरबी है, एनी आपका सिस्टम लगा हुआ है एसी का, तो कोई भी सिस्टम में जो है आपका एवेपरेटर का जो टेम्परेचर रहेगा वो ये स्टैंडर्ड है 4.4 रहेगा, क्योंकि हमारा जो रेफ्रिजरेंट जो है टेम्परेचर के हिसाब से प्रेशर शो करता है, समझ गए, ना कि हमारा यूनिट के हिसाब से शो करेगा। जैसे विंडो है तो डिफरेंट शो करेगा, स्प्लिट है तो डिफरेंट शो करेगा, चिलर है तो डिफरेंट शो करेगा वैल्यू प्रेशर, ऐसा नहीं है। वो टेम्परेचर के हिसाब से शो करता है, और हमारा जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम में जो है एवेपरेटर का जो रेफ्रिजरेंट उसके अंदर जो एंटर करता है उसका डिजाइनिंग जो है 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड में रहता है, जो फारेनहाइट में 40 डिग्री फारेनहाइट है। अब इसका वैल्यू क्या है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो है हो सकता है, जैसे 0.2 0.5 डाउन भी हो सकता है और अप भी हो सकता है, मतलब 4 से 5 के बीच में आप उसको मेंटेन कर सकते हैं, मतलब 4 से 5 के बीच में रख करके वैल्यू, उसके बाद आप PSIG उसका प्रेशर निकाल सकते हैं। तो उस कैसे प्रेशर निकाला जाता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। प्रेशर टेम्परेचर चार्ट मेरे पास है यहाँ पर, देखिए अभी हम इसको हम नज़दीक से आपको जूम करके उसके बाद किस तरह से निकाल सकते हैं हम उसके बारे में आपको बताएंगे। तो बहुत आसानी होगा आपके लिए कहीं भी, क्योंकि अभी बहुत तरह के रेफ्रिजरेंट हमारा मार्केट में आ गए हैं एसी में, तो सबका हमें प्रेशर याद रखना पॉसिबल नहीं है। नॉर्मली हम अपना 22 का R22 हो गया, 134A का, ये सबका तो हम लोग याद कर लेते हैं, याद रहता है माइंड में, लेकिन इतना सारा रेफ्रिजरेंट है कि सबका याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो हम आपको एक आसान तरीका बताएंगे जिससे आप सभी रेफ्रिजरेंट का वैल्यू मालूम कर सकते हैं कितना प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा एवेपरेटर का रेफ्रिजरेंट का इनसाइड टेम्परेचर हो गया, ओके, 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमारा कंडेंसर का टेम्परेचर जो है 46.1 डिग्री सेंटीग्रेड से 54.4 डिग्री सेंटीग्रेड हम रखे हैं, ऐसा 45 से होना चाहिए, लेकिन जो हमारे पास प्रेशर टेम्परेचर चार्ट है ना उसमें 45 का वैल्यू नहीं दिया, 45 डिग्री सेंटीग्रेड का उसमें शो नहीं किया है, या तो उससे कम है या उससे ज्यादा है, तो हमने 46 ले लिया। अब इसमें क्या है, इतना रेशियो इसलिए है कि समर के टाइम में थोड़ा सा कंडेंसर तरफ का जो वैल्यू है थोड़ा डिफरेंस शो करने लगता है, विंटर का टाइम जो है थोड़ा डिफरेंस वैल्यू शो करता है, तो उस हिसाब से हमने इसको रेशियो जो है इतना से इतना के बीच में आएगा, ये आपका इसके मिडिल वाले बीच में जो भी प्रेशर आएगा ना उसको आप एवरेज करके लेके चले, उसके हिसाब से आप मेंटेन करें, ना ज्यादा सबसे हाई में मेंटेन करें ना लो मेंटेन करें। खास करके जो है ना जो आउट ऑफ कंट्री में जो है गल्फ कंट्री में उसका ज्यादा प्रेशर दिखाता है, क्यों, क्योंकि उधर में बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर रहता है, पूरा पहाड़ी इलाका रहता है, बहुत सारा उधर में हीट रहता है, उधर में बरसात बहुत कम होता है, इसके लिए करके जो है ना प्रेशर उधर में हाई दिखाता है, लेकिन अपना नॉर्मली जो इंडिया में है वो प्रेशर थोड़ा सा डाउन दिखाता है, क्यों, उधर का टेम्परेचर आउटसाइड टेम्परेचर जो है एटमोसफेयर थोड़ा कम रहता है, इसके लिए करके कंडेंसर का प्रेशर जो है ऊपर नीचे थोड़ा हो जाता है। तो लेकिन उसका डिजाइनिंग जो है उसका 46 से 54 के बीच में कंडेंसर रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर का ये रहेगा, टेम्परेचर रहेगा। तो अब हम जानेंगे कि अगर हमारे पास एवेपरेटर का इतना टेम्परेचर है, रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर हमारे एवेपरेटर में इतना है, तो उसका सक्शन प्रेशर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको प्रेशर टेम्परेचर चार्ट हम दिखाते हैं आपको किस तरह से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, तो अभी हमने क्या है कि प्रेशर टेम्परेचर चार्ट ये हमारे पास अवेलेबल है। अब इस प्रेशर टेम्परेचर चार्ट से हम रेफ्रिजरेंट का प्रेशर देख सकते हैं। देखिए ऊपर में लिखा हुआ रेफ्रिजरेंट प्रेशर टेम्परेचर चार्ट, और उसके बाद इधर में सभी रेफ्रिजरेंट का यहाँ पे नंबर क्या कहते हैं, R22 है, 410 है, फिर R407 है, फिर 134A है, उसके बाद 404A है, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो एवेपरेटर जो है, एवेपरेटर के अंदर रेफ्रिजरेंट का हमारा टेम्परेचर कितना होता है, 4.4, तो हमने 4.4 इसको रखा है।
तो 4.4 के आगे में देखिए R22 रेफ्रिजरेंट जो है उसका प्रेशर कितना होगा, 68.6 होगा। ठीक है, ये हम स्टैंडर्ड वैल्यू लिए हैं 4.4। इसमें क्या है, आपका एक दो पॉइंट जो है ऊपर नीचे हो सकता है, 4.4 है तो 5.0 में अगर मान लीजिए आपका, खास करके तो स्प्लिट एसी में तो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर शो नहीं करता लेकिन चिलर वगैरह में शो करता है, तो उसमें मान लीजिए हमारा रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर 5.0 दिखा रहा है तो उसके हिसाब से हमारा R22 गैस का रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कितना होना चाहिए, 70.0 हमारा PSIG हमारा प्रेशर होना चाहिए। उसी तरह से 4.4 टेम्परेचर में 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड में हम देखेंगे आगे में 410 का, तो ये देखिए 118 दिया हुआ है, 118.9 दिया हुआ है। फिर उसके बाद हम आगे में 407 का देखेंगे तो 61.7 दिया है। उसी तरह से R134A का देखेंगे तो 35.0 दिया हुआ है। फिर उसके बाद 404A का देखेंगे तो 86.9 PSIG शो किया हुआ है। इस तरह से ये हो गया, तो हम ये सक्शन प्रेशर हम मेंटेन कर सकते हैं क्योंकि हमारा कॉइल का इधर में रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर कितना है, 4.4। इस तरह से हम अब मान लीजिए कंडेंसर का प्रेशर हमको देखना है, डिस्चार्ज प्रेशर का, तो उसके लिए हमारा टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट कितना होता है डिस्चार्ज लाइन में, रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर, तो हम उसके हिसाब से देखेंगे। तो उसके लिए हमारे पास 46 पॉइंट, देखिए 46.1 से जो है हम कितना वैल्यू रखे हैं, 54.4 तक। ठीक है ना, तो अभी देखिए इसका पहले ये इस बीच में हम मान लीजिए 46.1 का वैल्यू हम देख लेते हैं कितना इसका प्रेशर रहेगा। तो जो R22 रेफ्रिजरेंट अगर सिस्टम में डाला रहता है, देखिए R22 इसका नंबर है, R22 रेफ्रिजरेंट डाला रहेगा तो ये कितना दिखाएगा, 242.8 ये हमारा PSIG प्रेशर रहेगा हमारा डिस्चार्ज का, ये R22 गैस का। उसके बाद देखिए दूसरा हमारा कितना 410 है, उसका कितना है 289.6। ओके, उसके बाद तीसरा देख लीजिए, तीसरा हमारा कितना है R407C, उसका 274.9 है। ये हमारा इस तरह से ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। अब उसके बाद हमारा कितना है R134 है तो उसका 158.4 हो गया। उसी तरह से 404A है तो उसका 291.9 हो गया। अब उसके बाद हम दूसरा वैल्यू कितना रखे हैं 54 के बीच में, तो अब ये सबसे मिनिमम हो गया मान लीजिए और ये सबसे हाई, तो इसको अगर 54.4 डिग्री अगर आप टेम्परेचर में अगर आप देखते हैं रेफ्रिजरेंट का प्रेशर, तो हमारा ये 297 हमारा शो कर रहा है R22 गैस का। उसके बाद हमारा ये 410 का 474.0 शो कर रहा है। उसी तरह से आपका आगे में 407C है उसका 335 शो कर रहा है 0.7। फिर उसके बाद हमारा जो R134A रेफ्रिजरेंट है उसका 198.7 शो कर रहा है। उसके बाद हमारा 404A है 355.6 हमारा जो है शो कर रहा है। तो इस तरह से हम सभी कितना कोई भी रेफ्रिजरेंट है उस तरह से हम उसका निकाल सकते हैं। हमारे पास प्रेशर टेम्परेचर चार्ट होना चाहिए। एवोपरेटर का आपको रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर का डिज़ाइन आपको मालूम चल गया 4.4 होता है। ठीक है, उसी तरह से हमारा कंडेंसर का कितना होता है 46.1 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता है अपना डिस्चार्ज लाइन में। तो अब इस बीच में अभी मान लीजिए आपका शो कर रहा है 51 डिग्री सेंटीग्रेड मान लीजिए टेम्परेचर शो कर रहा है, तो उस टाइम आपका जो प्रेशर रहेगा वो 278 रहेगा, 444 रहेगा। तो आप ये दोनों का बीच का एवरेज से मेंटेन कर सकते हैं सिस्टम को। ठीक है, बाकी आपका इंडोर यूनिट का जो है ये स्टैंडर्ड रहेगा, इसके हिसाब से ही आप चलने का। हाँ दोस्तों, तो आपने देखा कि किस तरह से हम प्रेशर टेम्परेचर चार्ट से हम अपना जो भी सक्शन और डिस्चार्ज का जो वैल्यू है PSIG में हम फाइंड आउट कर सकते हैं हमारा रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर मालूम रहने से। तो जिस तरह से देखिए अभी हमने यहाँ पर R22 का 68.6 आया सक्शन प्रेशर, ये हमारा स्टैंडर्ड है। उसके बाद R410 का इतना 118.9 आया, उसी तरह से 61.7, इस तरह से 134A का, उसके बाद 404A का, उसके बाद यहाँ पर देखे डिस्चार्ज का, डिस्चार्ज लाइन का 46 का एक वैल्यू निकाल दिए हैं जो सबसे मिनिमम है, इस तरह से 242.8। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर डिस्चार्ज प्रेशर 404A का 291.9। इसी तरह से हमारा 54.4 का जब हम निकालेंगे फारेनहाइट में, 54.4 डिग्री सेंटीग्रेड का फारेनहाइट होता है 130 डिग्री फारेनहाइट, इसका जब हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो PSIG में कितना आ रहा है 297.0R22 रेफ्रिजरेंट का, ये सबसे मैक्सिमम हो गया वैल्यू। ओके, इसी तरह से हम सभी रेफ्रिजरेंट का एक एक करके हम निकाल सकते हैं, इजी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो
आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आया, किसी से डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, और आप किस तरह का वीडियो देखना चाह रहे हैं, किस टॉपिक पे, वो भी आप मैसेज करें, तो हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको कुछ नॉलेज मिला इससे, तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें, आप अपना ख्याल रखें। हाँ दोस्तों, तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर हमारा कोई भी सिस्टम है, मान लीजिए हम चिलर के पास गए, किसी यूनिट के पास गए, और उसमें लिखा हुआ नहीं है कि कौन सा रेफ्रिजरेंट इसके अंदर डाला हुआ है, तो कैसे हम मालूम कर सकते हैं कि इस सिस्टम के अंदर कौन सा रेफ्रिजरेंट डाला हुआ है। फिर या सिलेंडर है, अगर मान लीजिए 822 का सिलेंडर में अगर किसी ने 410 डाल दिया है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि नहीं, इसमें 822 नहीं है, 410 है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। जैसे सिस्टम में कभी नॉन कंडेंसेबल गैस हो जाता है, सिस्टम के अंदर मॉइस्चर है, तो हमारा रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कितना होना चाहिए, किस तरह से है, इसमें मॉइस्चर है कि नहीं है, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको वो बताने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें। चलिए, अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ।